समाजवाद, विकासवाद, परिवारवाद और उन सब चीजों में उलझा हुआ अपने आप में बिहार। हमारे साथ बिहार को एक दिशा देने वाले और कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी हैं। उनसे जानते हैं कि 2015 का चुनाव किन किन आयामों को समेटे हुए है और जनता किन किन चीजों पर काम करे। सर, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जिस तरीके से 2015 के चुनाव की गोलबंदी हो रही है, भाषाई आधार पर राजनीति की परिभाषा, विकास के नाम पर अपनी अपनी बड़वानगी, आपको लगता है कि जनता इन तमाम चीजों पर विश्वास करे? एक बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों में आम लोगों का विश्वास हिल गया है। उनकी घोषणाएं, उनके संकल्प और उनके कार्य में विरोधाभास है। इससे याद करिए, संपूर्ण देश की राजनीति की नई करवटें ले रही हैं। सिद्धांतविहीनता हो गई है, नीतिहीनता हो गई है और जो पदबद्धता है उससे भिन्न कार्य हो रहे हैं। इसे राजनीतिक संकट के दौर में है देश की राजनीति। उसी संदर्भ में बिहार के चुनाव को भी देखा जाना चाहिए कि बिहार में विपरीत इस लालू प्रसाद जी के खिलाफ 2005-2010 का चुनाव हुआ, उसके साथ मिलकर फिर चुनाव लड़ना, जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन प्रकाश नारायण जी ने, लोहिया जी ने लगातार किया, कर्पूरी ठाकुर ने, उस कांग्रेस साथ गठबंधन करना, ये क्या दर्शाता है? आज जयप्रकाश नारायण जी के, कर्पूरी ठाकुर को क्या होता होगा कि उन्हीं के समाजवाद के रहने वाले नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी आज जब कांग्रेस के साथ हैं और ये गठबंधन क्या गठबंधन? इसलिए इस गठबंधन से पर खतरनाक संकेत जा रहा है कि जिस कांग्रेस को 65 सालों में आपने कंडेम किया, जिस कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी की प्रोजेक्ट आप हैं जयप्रकाश के नेतृत्व में, उसी कांग्रेस के, उसी राहुल गांधी के, उसी सोनिया गांधी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? और नीतीश कुमार जी उस लालू के साथ, जिस लालू के 15 साल के शासन से सांस दिलाने के लिए हम सबका समर्थन लिया, हम लगातार समर्थन दिया उनको, सक्रिय समर्थन दिया और तो हम जीते भी उसी लालू के साथ जा रहे हैं। इस गठबंधन का क्या कहिएगा? हाउ यू कैन एनालाइज कांग्रेस का, जदयू का, आरजेडी का गठबंधन क्या संदेश दे रहा है? पूरी पूर्णितहीनता की, सिद्धांतहीनता की, अनैतिकता की आप मैसेज दे रहे हैं। रामविलास को भी देख लीजिए, बीजेपी को भी देख लीजिए, वहाँ भी तक विरोधाभास है। बाबरी मस्जिद गोधरा कांड के बाद की जो बीजेपी थी, नहीं कहते हैं सभी पार्टियों में है, सभी हम कहा आपको सारी पार्टियां सिद्धांत विहीन हो रही है, लेकिन हम तो लोकल पार्ट बिहार ही कर रहे हैं। एक तो बात ठीक है कि सारे देश की सारी पार्टियों ने सिद्धांतों के साथ कम्प्रोमाइज कर लिया है समय के साथ, जो सिद्ध नहीं होना चाहिए। जिन सिद्धांतों के लिए पार्टी संघर्ष करती रही है, वामपंथी दल लगातार कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही है, वो वामपंथी 10-5 साल तक मोहन सरकार का समर्थन करती रही, जो वामपंथी दल लगातार कांग्रेस विरोधी रही है, वो वामपंथी 5 साल तक मोहन सरकार करती रही है। किसको कहिएगा, किस पार्टी को कहिएगा? हर पार्टी ने इसी तरह से अपनी सर्वभाजता की और विश्वास की राजनीति की है, उससे भारत की राजनीति वो खतरनाक दौर में जा रही है। सर, एक विश्लेषण आपसे चाहेंगे। लगातार ये बड़ा द्वंद है और जनता के बीच जाने पर ये विरोध भी दिखता है कि चुनावों के समय आकर के एक बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया, उससे पहले विशेष राज्य के दर्जे की बात कही जाती है। बड़ा निष्पक्ष आपसे उत्तर चाहेंगे कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या वास्तव में बिहार के विकास के लिए कुछ कर पाएंगे? तो बिहार विकास के लिए, चूंकि चुनाव के मौका पर है इसलिए आप कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बिहार की कमियों को पाटने के लिए, दूर करने के लिए ये पैकेज है। और जिसको कहने के लिए जिस आलोचना की जाती है, अगर रीपैकेजिंग है या पैकेजिंग है, ये है तो बासवाल 1,25,00,000 रुपया है तो इसको दूर रूप लीजिए, इसका लाभ बिहार को होगा। तो योजनाओं पर अगर चले आए तो आपके समय में बहुत सारे बोर्ड निगम बनाए गए थे, बिहार रुक गया है। अगर आपके बनाए हुए सिर्फ परिवहन निगम को देख लिया जाए तो 1310 बसें खरीदी थी आपने एक साथ और आज कुल 112 बसें इस निगम में बची हुई हैं। एक बस पे लगभग 70 लाख लोग सवारी कर रहे हैं, चलेगा बिहार? या नहीं, ये बहुत खराब है। पब्लिक सेक्टर जो बिहार की थी, सभी इंटरप्राइजेस 49 थे यहाँ पे हम जमाने में, एक एक करके प्रय हो गए, कमजोर हो गए। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि डेवलपमेंट के लिए दो बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन।
दोनों को मॉडर्न उद्योग बनता है, दोनों ठप है, 25 साल नहीं चल रहा है, औद्योगिक नीति बनाई नहीं।